यहाँ पर लिखा उल्लेख किया गया अयोध्या वासिना पूर्वम यथा रामेण संगता, जैसे राम जी अपनी लीला संपन्न करते समय सारे परिकरों को ले गए, बहुर कीन कर नयतन, राम जी लेकर गए ना सभी को अपने अयोध्या से, ऐसे गोकर्ण जी सभी को लेकर चले गए। अब अंतिम अध्याय में भागवत कथा कैसे करानी, कैसे सुननी है, ये 5-10 मिनट का प्रसंग, 10 मिनट और इसमें, उसके बाद कथा विराम। भागवत जी में लिखा है सबसे पहले विवाहे आदर्शम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत, जैसे हम विवाह में बड़ा आनंद के साथ, मस्ती के साथ, खूब प्रसन्नता के साथ आनंद लेते हैं, वैसे भगवान की कथा में उसी तरह बढ़ चढ़ करके जो बन पड़े करना चाहिए। विवाहे यादृशम वित्तम, जैसे वहां धन खर्च करते हैं उसी प्रकार तादृशम परिकल्पयेत, आपकी अपनी श्रद्धा। उसके बाद चर्चा ये है कथा कहाँ करानी चाहिए, तीर्थे वापी वने वापी ग्रहे वा श्रवणम मतम, तीर्थ में कराएं, भगवान ने द्रव्य दिया है तो तीर्थ में कराएं, तीर्थ में कथा की बड़ी महिमा है, यदि ईश्वर की कृपा है तो कभी तीर्थ में जरूर कार्यक्रम कराएं। हम लोग निरंतर अभी महाकाल की नगरी में शिवपुराण चल रही थी सितंबर में, और अभी 18 फरवरी से 24 फरवरी तक नेमी शरण में भागवत कथा है, और भगवान ने चाहा तो अगले साल गया में भागवत कथा का विचार चल रहा है। गया वाला कार्यक्रम तो 2020 में ही होना था, वो फिर कोविड आ गया तो टल गया। तो तीर्थ में कराएं, वन में कराएं, एक बढ़िया प्रांगण होना चाहिए जहां ज्यादा से ज्यादा लोग बैठे। इसमें लिखा है विशाला वसुधात यत्र, विशाल प्रांगण हो, ज्यादा लोग बैठे आप कराएंगे, ज्यादा लोग सुनेंगे, सभी का कल्याण होगा, उन सभी का कल्याण होगा और आपको कराने का विशेष पुण्य प्राप्त हो जाएगा। बहुत से लोग तीर्थ यात्रा में ले जाते, वहां भी पूरी व्यवस्था करते और कथा कराते, और नहीं है आपकी व्यवस्था छोटी है तो जो आपकी व्यवस्था, उसमें यह भी लिखा है तीर्थे वापी वने वापी ग्रहे वा श्रवणम मतम, आप घर में भी सुन सकते हैं, यदि आपके घर में 10-50-100 आदमी बैठने की व्यवस्था है तो, यदि ज्यादा आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती। उसके बाद विचार किया गया, सबसे पहले विचार किया गया वक्ता कौन होना चाहिए, लिखा है विरक्तो वैष्णो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलाधीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा, पर वक्ता का चयन होना चाहिए, वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए, वक्ता वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव की परिभाषा यही है जो नारायण को मानता हो, जो राम और श्याम को मानता हो, वैष्णव वो। कई बार वैष्णव की परिभाषा में, छत्तीसगढ़ भी कथा कर रहा था अभी 10 दिन पहले शिवपुराण की, तो वहां एक वैष्णव नाम की ब्रादरी भी होती है, तो वो सोचे कि यही मन्ना भैया ये वैष्णव अलग है, वैष्णव मतलब है जिसने ऊर्ध्वपुंड धारण किया हो, गले में कंठी हो, जिसने किसी महापुरुष के द्वारा कान में मंत्र दीक्षा प्राप्त की हो, जो भगवान नारायण को पूजता हो, जो भगवान कृष्ण को पूजता हो, जो भगवान राम को मानता हो। देखो भागवत जी में शिवपुराण में पंचदेवोपासना की कथा है, पंचदेवोपासना में नारायण, तो नारायण का ही स्वरूप राम जी है और नारायण का ही कन्हैया है कृष्ण है, इनको मानता हो। वेद और शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत उनकी सही ढंग से परिभाषा कर सके, दृष्टांत कुशलाधीरो और दृष्टांत दिया जाए तो शास्त्र सम्मत दिया जाए, और आगे तो लिखा वक्ता कार्योति निष्प्रहा। देखो ये भागवत जी के महात्म का, पहले महात्म का 6 अध्याय का 20वां श्लोक है। अब इसमें एक प्रयोग आया वक्ता कार्योति निष्प्रहा, वक्ता शब्द है, वक्त्री नहीं है। आजकल बड़ा इसका बहुत से लोगों को बहुत जल्दी बुरा भी लगता है, लेकिन भागवत कहती है, प्रमाणिक तौर पर कह रही है कि यदि अनुष्ठान के रूप में कथा करानी है तो पुल्लिंग ब्राह्मण हो, वैष्णव हो और पुरुष हो, ब्राह्मण हो, वैष्णव हो और पुरुष हो, तो क्या स्त्री कथा नहीं कर सकती?
इस पर बड़ी चर्चाएं हुई। स्वामी राजेंद्र दास जी के पास भी कई लोग गए, मलुक पीठाधीश्वर श्रीधाम वृंदावन, उन्होंने भी कहा कि ज्ञान की चर्चा हो सकती है, आप ज्ञान की बात करें बैठ करके खूब सुनाए, लेकिन आप कलश स्थापना करके, वेदी बना करके, व्यास पीठ लगा करके और व्यास पीठ पर बैठ कर कथा करें, यह गलत है। इसका विरोध मैं नहीं कर रहा हूं, ब्रज के बहुत संतों ने किया। आदरणीय मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज, जिस समय हमारे विद्वानों में जिनकी बड़ी श्रेष्ठ विद्वानों में गणना है, आपके वृंदावन के एक संत और हैं, तो प्रेमानंद जी महाराज, उनकी भी चर्चा, वो भक्ति मार्ग के प्रेमी है, उन्होंने भी ये बात कही है। तो भागवत कहती है अनुष्ठान के रूप में कथा करानी है तो ब्राह्मण हो, वैष्णव हो और पुरुष हो। यदि स्त्री मंच पर बैठकर कथा करती है तो कहा गया उस कथा का आपके लिए पुण्य नहीं है, आनंद बहुत है, मनोरंजन हो जाएगा, आप मनोरंजन कर ले, लेकिन अनुष्ठान की विधि निषेध करती है। अब यदि निषेध नहीं है तो भागवत में वक्त्री का भी प्रयोग होना चाहिए था, स्त्रीलिंग का प्रयोग कहीं नहीं है। और उसके बाद क्या नियम है, जब तक कथा चले तब तक 7 दिन तक नाखून नहीं काटने, बाल नहीं काटने, ये क्लीन सेव जो, क्योंकि अब सभी लोग ऑफिस जाते हैं तो करना पड़ता, मैंने कल ही कहा शर्मा जी से बता देना। तो 7 दिन तक छौर कर्म, इसमें लिखा है छौर कर्म, छौर कर्म में नाखून भी आते हैं बाल भी आते हैं, और ये भी लिखा है कि श्रोता और वक्ता के लिए नियम है जमीन में सोए या तखत में सोए, नियम से कथा सुने और नियम से कथा सुनाई जाए। अब इस पर भी आप यदि चिंतन करें तो आजकल एक बड़ा प्रचलन है कि पीछे के बाल बहुत बड़े और आगे रोज साफ, ये मॉडर्न सा मानो फिल्मी एक्टर जैसे चलते वैसे शुरू हो गया है, ब्रज में ज्यादा देखी देखा और भी कई जगह हो गया। हाँ, पीछे के बाल बहुत बड़े बड़े और आगे बिल्कुल साफ, बुरा मत मानना, पहले की माताओं के बाल बड़े होते थे, आज माताओं के बाल, सबरी अम्बा अपने बालों से रास्ता साफ करती थी, इतने बड़े बाल होते थे माँ सबरी के। आज तो बालों के लिए भी व्यवस्थाएं हो गई है, इसलिए साथ कथावाचक बोले आपकी बदली हम रखा लेते हैं। छौर कर्म नहीं करना चाहिए। उसके बाद लिखा है वर्णम पंच विप्रणाम कथा भृंग निवृत्ते, यहां तो लिखा कि 5 ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए। अब पाठ करें, जिसे हमारे यहां भागवत जी का एक पाठ हो रहा है, एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो रहा है, और ब्राह्मण हमारे जो 2 ब्राह्मण बनारस से आए हैं वो प्रतिष्ठा का काम देखेंगे पूरा कल से, और क्या करना चाहिए, लिखा है घृतपानम पयापानम, घी पी करके दूध पीकर कथा सुनो। तो बोले महाराज कलयुग है ना, तो उतना बढ़िया घी दूध मिलेगा और ना ही उतनी सुंदरी पाचन शक्ति है, तो क्या करें, बोले फलाहार कर ले। बोले फलाहार से काम ना चले, कोई भीम ज्यादा जैसे श्रोता, बोले कोई बात नहीं, भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम, भोजन करें, यदि बिना भोजन के नहीं चल रहा तो भोजन करें लेकिन कथा जरूर सुने। भोजन की मनाही नहीं है, आदरणीय डोंगरे जी महाराज हमारे देश के महान संत हुए, डोंगरे बापू गुजरात, हम जब अवध में थे तो महाराज श्री का दर्शन हुआ, तो पहले वो फलाहार करते थे, बाद में थोड़ा अस्वस्थ हो गए तो सुबह और दलिया मतलब भोजन लेकर ही करते थे, प्रायः उनको दलिया बहुत पसंद था, दलिया का सेवन करते थे। तो भोजनम तो वरम मन्ने, भोजन लेकर भी कथा कही जाए और सुनी जाए तो दोष नहीं है। भोजन का इसलिए निषेध है कि प्रमाद ना आए, आलस्य ना आए, ये है, तो थोड़ा कम ले ले, दिन की खुराक रात में बढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार कथा सुननी चाहिए 7 दिन तक निरंतर बैठ करके, और जिसके मन की जो कामना, अब ये भी है, जिसके मन की जो इच्छा जो कामना, वो कामना अपने मन में रखो और भगवान से प्रार्थना करो। किसी के संतान नहीं होती है उसके लिए कामना करो, भगवान जरूर सुनेंगे। अथवा
कई बार मैंने देखा कि देवियों को ऋतु धर्म में दिक्कत होती है, इसलिए संतान नहीं रुकती है। कई बार हमारे पास भी लोग आए और कईयों के यहां तो 12-12 साल हो गए संतान नहीं हुई, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा हुई कि एक साल में ही भगवान ने, तो अपनी भावना, जो भावना है, जो कामना है रखें, प्रयास ये किया करें जो यजमान है, मुख है, वो अपना एक जगह निश्चित कर लें कि मुझे यहां बैठना है, एक जगह और एक आसन मुख्य यजमान के लिए। शेष का तो ऐसा कि आगे पीछे हो सकता है। तो इस प्रकार कथा का रसपान कर